दुनिया पर महायुद्ध के संकट की ओहियो में मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों वॉशिंगटन लौटे अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन? बाइडेन ने पुतिन से बात करने से क्यों किया इनकार? जर्मनी पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्यों कहा कि संकट को हल करने का विकल्प सिर्फ कूटनीतिक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध का संकट। रूस यूक्रेन तनाव के बीच गुरुवार रात ओहियो में भाषण दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भाषण मंच छोड़कर वॉशिंगटन डीसी लौटना पड़ा। मंच छोड़ते वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यूरोप में कुछ हुआ है। इसके बाद आधी रात को अमेरिका से यूरोप तक चल रही महाजंग की तैयारी के बीच पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के बहाने अमेरिका भी रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यहाँ तक कहा है कि युद्ध की संभावना प्रबल है। ऐसे में रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया की दो महाशक्तियों का भिड़ना तय है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को लेकर रूस को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। उन्होंने ये बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई फोन पर बातचीत के दौरान कही। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि वो यूक्रेन से लगती सीमा पर 1,00,000 रूसी जवानों की तैनाती से काफी चिंतित हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को फाइटर प्लेन उड़ाया और यूक्रेन में रूस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया, जिसे यूक्रेनियन को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले भी ब्रिटिश पीएम कह चुके हैं कि यूक्रेन संकट अभी भी पूरी तरह से टलान नहीं है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों व भारी गोला बारूद व लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन पोलैंड पहुंचे। अमेरिकी रक्षा मंत्री को आज म्यूनिक पहुंचना था लेकिन वो पोलैंड पहुंचे हैं। महायुद्ध की आशंका के बीच उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है, जबकि रूस ने कहा है कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव पर यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कूटनीति इस संकट को हल करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि ये संकट यूएनएससी के हर सदस्य और दुनिया के सभी देशों को सीधे प्रभावित कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि रूस के लक्षित लक्ष्यों में कीव शामिल है, जिसके लगभग 30,00,000 लोग हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले से ही युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर हमला करने का नया बहाना ढूंढ रहा है। उनके मुताबिक आशंका है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस रासायनिक हथियारों का उपयोग कर सकता है, जो परमाणु वॉर से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। यूक्रेन के आसपास क्रेमलिन के सैन्य निर्माण को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव जारी रहने की वजह से वायुसेना ने जर्मनी में करीब 1 दर्जन F-35A लाइटनिंग 2 लड़ाकू जेट और लगभग 350 कर्मियों को तैनात किया है। जानकारी के मुताबिक यूटा में हिल एयरफोर्स बेस पर 34वें फाइटर स्क्वाड्रन के 388वें फाइटर विंग के विमान स्पैंगडाहले में एयरबेस पहुँच गए हैं। रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज ने TU-22M3 सुपरसोनिक लंबी दूरी के बॉम्बर्स ने SU-35S लड़ाकू विमानों के साथ बेलारूस के आसमान में गश्त की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमारे देश पर खतरा मंडराया तो हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं होगा, हमारे पास बहुत ताकतवर एटमी हथियार है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की सैटेलाइट तस्वीरों से क्या खुलासा हो रहा है? स्पेन ने बुल्गारिया में क्यों भेजे लड़ाकू फाइटर जेट? यूक्रेन ने कहा रूस के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार, और किसने कहा रूस सुनियोजित ढंग से कर रहा है घेरेबंदी? नाटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेज नाटो। रूस यूक्रेन बॉर्डर की सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि रूस अभी शांत बैठने के मूड में नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि रूस अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रहा है। तस्वीरों में लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं और ब्रेस्ट स्काई ट्रेनिंग एरिया में बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने रखे हैं। रूसी सेना को यूक्रेन की दूरी के भीतर रखा गया है। यूक्रेन के संभावित रूसी हमले के तनाव के बीच गठबंधन के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नाटो ने प्रयासों के तहत स्पेन में ज्वाइंट हवाई गश्ती मिशन के लिए बुल्गारिया में 4 लड़ाकू जेट भेजे हैं। स्पेनिश वायुसेना के 4 यूरोफाइटर EF-2000 टाइफून 2 विमान इस हफ्ते की शुरू में मध्य बुल्गारिया के ग्राफ इग्राटिवो एयरबेस पर पहुंचे। ये यहां हवा से हवा में युद्धाभ्यास करेंगे। स्टेनिसिनिया लुहांस में यूक्रेन के सरकारी क्षेत्र में विद्रोहियों की गोलाबारी में एक घर में आग लग गई। आग के चलते घर पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जवान घर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही।
ऐसे हादसों की वजह से इलाके के लोगों में दहशत साफ देखी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक सीमा से सेना वापस बुलाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा है कि बॉर्डर पर हालात खराब हैं। दूसरी ओर पुतिन और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज मॉस्को में मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूरोपीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को डोनबास के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र में गोलाबारी की खबरों पर बयान देते हुए कहा कि नाटो चिंतित है कि रूस यूक्रेन में आक्रमण के लिए एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि नाटो देशों की सुरक्षा के लिए नए विकल्पों की तलाश करने का ऐलान करते हुए अफसोस जताया कि यूरोप में अब तक ताकत का इस्तेमाल एक आम बात बन गई है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किलिस्तिसिया ने गुरुवार को कीव मॉस्को से बातचीत के लिए तैयार है के जवाब में कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उनके मुताबिक रूस के पास डी एक्सकलेशन और राजनयिक संवाद के रास्ते पर चलने या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निर्णायक प्रतिक्रिया के अनुभव करने का विकल्प है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि रूस एक सुनियोजित अभियान चला रहा है और यूक्रेन में आक्रमण की संभावना को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। रूस बहुत ही लक्षित और बहुत ही सुनियोजित अभियान के जरिए घेराबंदी कर रहा है और पूर्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। यूक्रेन रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रित क्षेत्रों से आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध के हालात पर भारत की पैनी नजर है। जंग के हालात में भारत का क्या रुख होगा, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। मौजूदा हालात में भारत यही चाहता है कि इसका हल कूटनीतिक तरीके से निकल जाए। विशेषज्ञों की माने तो भारत के तटस्थ रुख से भारत की साख और स्टैंड दोनों का पता चलता है। फिलहाल भारत का फोकस यहां रह रहे 20,000 से ज्यादा भारतीयों की जान माल की सुरक्षा का है। यूएनएससी की बैठक में बोलते हुए रूस की ओर से कहा गया कि पश्चिमी देशों का एकमात्र मकसद युद्ध आयोजित करना है और अगर ऐसा नहीं होता तो यूक्रेन की कठपुतली सरकार बहुत पहले ही मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए मजबूर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पश्चिम रूस के साथ युद्ध चाहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें देखते हैं। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनस्टक पर हमला किया है। इसके बाद अमेरिका समेत कई बड़े देश इसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट मान रहे हैं। इस बीच अमेरिकी दूतावास की ओर से दावा किया गया है कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक स्कूल को निशाना बनाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात पर क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन बॉर्डर पर हालात खतरनाक हैं और ये कभी भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्को ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि यूक्रेन में रूस की सीमाओं के पास कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने गुरुवार को दावा किया कि रूस समर्थित अलगाववादियों ने देश के पूर्व में कई बस्तियों पर बमबारी की है, जहां यूक्रेन की सेना रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रही है। गुरुवार को सीमा पर तनाव बढ़ने और दोनों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन संकट को लेकर कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, जिसके बाद आज म्यूनिख में होने वाली महापंचायत में फैसला होने की उम्मीद है। इस बैठक में दुनिया भर के तमाम नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं, मगर रूस ने एमएससी यानी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया है और अपने किसी राजनयिक को भी भेजने से मना कर दिया है। इस्टोनिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां तक कि रूस की इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के उन ठिकानों तक की शिनाख्त कर ली है जहां पर उन्हें हमला करना है। जानकारी के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसियों के पास यूरोपीय देशों के लिए भी इसी तरह की सूचियां हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर विद्रोहियों को दबाने और उनका नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। रूस ने कहा कि कीव सरकार विद्रोहियों को भड़काने और उनके इलाके पर जबरन कब्जा करने की साजिश में जुटी है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बृहस्पतिवार की सुबह बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटना को रिकॉर्ड किया। यूक्रेन ने भी बेलारूस की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। बेलारूस सीमा पर करीब 9,000 रूसी सैनिकों की तैनाती का दावा किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपनी सेना का लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना की एंटी टैंक मिसाइल दागने की अभ्यास का परीक्षण भी किया। यूक्रेन का मानना है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखी जाए। इस्टोनिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस चीफ ने रूस के हमले की आशंका जाहिर की है। जनरल मिक मैरन ने कहा कि यूक्रेन तलवार की धार पर टिका है और रूस कभी भी कुछ चुनिंदा इलाकों में लिमिटेड अटैक कर सकता है।
यूक्रेन मामलों पर बोलते हुए एमईए की ओर से कहा गया कि भारतीय दूतावास घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है। उन्होंने दो एडवाइजरी जारी की है। हमने यूक्रेन में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। हालांकि सरकार ने अब तक लोगों के निकलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। भारतीय दूतावास सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सेवाएं दे रहा है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। रविवार को होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी कहां कहां करेंगे प्रचार। पंजाब के सीएम चन्नी पर क्यों दर्ज हुआ केस और कुमार विश्वास के बयान पर क्यों मचा हुआ है सियासी हंगामा। चुनावी राज्यों में मचे सियासी संग्राम से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी रैली। यूपी और पंजाब में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। इस चरण में 16 जिले हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज अयोध्या में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा की ये रैलियां दोपहर 12:05 पर क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस, दोपहर 2 बजे मिल्कीपुर और दोपहर 3 बजे रुदौली में होगी। जेपी नड्डा रैलियों के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरजेंगे। इस दौरान योगी करहल समेत कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली करेंगे। सीएम योगी कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज जालौन, उन्नाव और कानपुर में जनसंपर्क करेंगे। अखिलेश सबसे पहले जालौन पहुंचेंगे, वहां से माधोगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव उन्नाव और फिर कानपुर में जनसभा कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज यूपी में प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगी, जिसकी शुरुआत दोपहर 3 बजे होगी। प्रियंका गांधी की इस वर्चुअल रैली के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 1 बजे पंजाब के पटियाले में रोड शो करेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। पंजाब में बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके बाद राजनाथ सिंह लखनऊ जाएंगे और वहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पंजाब फतेह के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। केजरीवाल आज सुबह 11 बजे भटिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद केजरीवाल अबोहर और जलालाबाद में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं कर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी बिहार के लोगों पर विवादित बयान देने के बाद उनके खिलाफ बिहार में केस दर्ज हुआ है। हालांकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। चन्नी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान का वीडियो चलाने पर लगी रोक को चुनाव आयोग ने हटा लिया है। इसी ने घंटे भर में ही अपना आदेश वापस ले लिया। दरअसल कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववाद का आरोप लगाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश बताई है। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। देश के सबसे बड़े लोन घोटाले में सीबीआई जांच तेज। हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई और आज मैच जीतकर सीरीज करो लॉक। देश की सभी अहम खबरों को आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में एक घर से मिले करीब 3 किलो आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। एनएसजी की टीम ने इसे दिलशाद गार्डन के एक पार्क में गड्ढा खोद कर डिफ्यूज किया। इस पूरे मामले का लिंक कुल्लू और गाजीपुर केस से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस घर के मालिक से पूछताछ और चारों फरार किरायेदारों से पूछताछ कर रही है। 22,842 करोड़ रुपए के लोन घोटाला मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने गुरुवार को एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल से कई घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इस मामले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जाँच कर रही है। भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड पर दिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन के बयान पर विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। दरअसल सिंगापुर के पीएम ने कहा था कि नेहरू का भारत अब ऐसा बन गया है जहां लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसदों के खिलाफ रेप और हत्या जैसे आपराधिक मामले लंबित हैं।
हिजा विवाद पर आज फिर दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी अपनी दलीलें शुरू कर सकते हैं। कल भी कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील रवि वर्मा ने अपनी दलीलें पेश की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम के अनुसार अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम लाया जाना है तो माता पिता को इसके बारे में कम से कम एक साल पहले जानकारी देना जरूरी है। कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा के भगवा झंडे वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दरअसल कर्नाटक के मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा था कि भगवा झंडा कभी भी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है और इसे लाल किले की प्राचीर पर फहराया जा सकता है। राजस्थान के कोटा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर नयापुरा स्टेडियम में जनसभा की। इससे पहले PFI कार्यकर्ताओं ने स्टेडियम तक यूनिटी मार्च भी निकाला, जिसे लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। पुनिया ने कहा कि PFI का मकसद सिर्फ अशांति फैलाना है, इसलिए इसे बैन किया जाए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने CRPF की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में कोई जवान हताहत नहीं हुआ। उधर दूसरी ओर बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने से 11 हैंड ग्रेनेड, 11 UBGL ग्रेनेड और एक क्रूड ग्रेनेड बरामद किया है। गुजरात के भुज में BSF ने पाकिस्तान की 7 और मछली पकड़ने वाली नाव जब्त की है। BSF ने ये कार्रवाई क्रीक इलाके के हरामी नाला इलाके में की है। जब्त 7 पाकिस्तानी नावों की जांच की जा रही है। BSF ने इससे पहले 11 फरवरी को हरामी नाला से 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में उतरेगी, तो वहीं वेस्टइंडीज की नजर वापसी पर होगी। भारत पहला मैच जीतकर T20 सीरीज में 1-0 से आगे है।